नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं इश्कबाज सीरियल की लेटेस्ट अपडेट के साथ, और ये बताने के लिए कि अपकमिंग जो एपिसोड आने वाला है, जो अगला एपिसोड आने वाला है, उसमें क्या होने वाला है। बिजनेस डील का प्रोजेक्ट जय के प्लान के बाद भी ओबेरॉय को मिल जाता है। जय को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। जय को रुद्र की फोन पर बात से पता चलता है कि शिवाय ने अंत में आकर नंबर 10% कम कर दिया था। जय को ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो परेशान हो जाता है। जय कहता है कि वह किसी भी हालत में ये जो डील होगा उसे छीन लेगा। अनिका शिवाय सभी के साथ मिलकर बिजनेस डील की खुशी मनाते हैं और पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इस खुशी को सेलिब्रेट करता है। सूर्यकांत किचन की तरफ जाता है और कल्याणी के लिए जो चाय बनाई थी उसके पास एक खत रख देता है। हर कोई डील की खुशी मनाता हुआ नजर आता है। अनिका बताती है कि आज जगराता है। ये सुनकर उनको दादी की याद आती है जो उन्होंने रात को पड़ोस में जगराता की बात बताई थी। तीनों को सूर्यकांत का खत मिलता है। ये पढ़कर शिवाय हैरान हो जाता है। नानी से वे सारी बात जानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नानी बताती है कि सूर्यकांत जिससे प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई है। शिवाय, ओमकारा और रुद्र का शक हकीकत में बदलता है। नानी बताती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि दादी है। शिवाय और ओमकारा मिलकर दादी और सूर्यकांत के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उधर जय प्लानिंग करता है कि आखिर वो किस तरीके से शिवाय को बर्बाद करे। तो जैसे कि आपने इस पूरे एपिसोड में देखा कि शिवाय को बर्बाद करने के लिए जय पूरे प्लान्स बना रहा है और पूरी प्लानिंग इस तरीके से कर रहा है कि वो उसकी बहन की जिंदगी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दे। तो देखा जाएगा कि इस एपिसोड में क्या क्या ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं या फिर पसंद नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इस सीरियल में जो सबसे अहम किरदार है वो है अनिका, यानी कि आपकी खिड़की तोड़ अनिका। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, उनके बोलने का अंदाज हो या फिर उनके डायलॉग्स हो, लोगों को बहुत ही ज्यादा लुभाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन वही अनिका जल्द ही इस शो को छोड़ रही है। 15 से 16 तारीख के बाद वो इस शो में बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी। लेकिन जल्द ही ऐसी न्यूज आई है कि वो जल्द ही एक कॉमेडी शो में, यानी कि सुनील ग्रोवर के शो में नजर आने वाली है। तो देखा जाएगा, अनिका ने इस शो के जरिए बहुत सारा फेम हासिल किया, बहुत सारे फैंस का दिल जीता। लेकिन जैसे जैसे वो इस सीरियल को छोड़ देंगी और इस सीरियल में उनकी जगह आपको नहीं दिखेगी और वो आप नए शो में उनको देखेंगे, तो नए शो के जरिए वो कितना ज्यादा लोगों का प्यार बटोर पाती हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम जल्द ही लौटेंगे एंटरटेनमेंट या फिर बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।